बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि में पूर्व रूप संधि एवं पर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि एवं पर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या होता है, पर्व रूप संधि क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आइए पूर्व रूप संधि को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति इसका सूत्र है, उसको सूत्र को याद रखना है। नियम क्या कहता है, आइए नियम को देखते हैं। यदि किसी पद के अंत में एकार या ओकार, यदि किसी पद के अंत में एकार या ओकार एंग हो और उसके बाद में अ आया हो तो दोनों ही स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार यानी पूर्व रूप हो जाता है। जैसा है, जैसे एकार आता, ए आता है तो एकार हो जाता है, ओ आता है तो ओकार है, यानी पूर्व रूप जैसा है वैसा हो जाता है। चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति के सूचक के रूप में अवग्रह यानी ये वाला चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। हरे धन अव, हरे धन अव। अब देखिए इसमें कह रहा है किसी पद के अंत में एकार, यहाँ पर ए आया है, ए आया है ना, रम ए है, एकार आ रहा है और इसके बाद जो है अ आया हो, इसके बाद जो है एकार के बाद जो है अ आया हो तो वह पूर्व उपस्थिति क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाते हैं, यानी पूरे उसी रूप में रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता है। बस क्या चेंज होता है, अ को उपस्थिति सूचक के रूप में अवग्रह के द्वारा दिखाया जाता है। अवग्रह का मतलब इस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे हरे धन अव क्या हो जाएगा, हरे अव क्या हो जाएगा, हरेव। यानी ये सिर्फ लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह जो है ये पता चलता है कि यहाँ पर अ है, हरेव हे, यानी इसका अर्थ होता है हे हरी रक्षा कीजिए। क्या होता है, हे हरी रक्षा कीजिए। उसी तरह रामो धन अत्र, रामो धन अत्र यहाँ बोल रहा है ओकार। यदि किसी पद के अंत में ओकार हो, यहाँ ओकार है, ओ है राम में, रामो ओकार हो और उसके बाद में अ आया हो, यानी अ आया है, ओकार है यानी ओ है और अ है, तो क्या हो जाएगा, वह पूर्व रूप में ही लिखे जाते हैं। उकार हो तो ही वह पूर्व रूप में ही हो जाते हैं और चिन्ह अ की उपस्थिति के सूचक के रूप में अवग्रह यानी सिर्फ ये चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। जैसे रामो धन अत्र क्या हो जाएगा, रामोत्र, रामोत्र यानी बस ये जो है लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पर अ है और बस ये अवग्रह के रूप में यहाँ दिखाया गया है, यानी इसका अर्थ होता है हे राम रक्षा कीजिए। रामो धन अत्र रामोत्र हे राम रक्षा कीजिए। उसी तरह देखिए विश्व धन अव, अब देखिए ओ है, ओ है और ये अव है, तो ओ के बाद यदि अ आता है तो क्या हो जाएगा, वह पूर्व रूप में ही लिखा जाएगा, सिर्फ अ जो है परिवर्तित रूप हो जाएगा, परिवर्तित रूप में बस उसको चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, यह अवग्रह हो जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर अ है। इसको जब संधि करेंगे, जोड़ेंगे, ये विच्छेद किया हुआ है, वैष्णोधन अव विष्णोधन अव, यानी इसको जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैष्णव विष विष्णव, तो क्या है, विष्णु रक्षा कीजिए। इसका अर्थ क्या होगा, वैष्णव का क्या होगा, हे विष्णु रक्षा कीजिए। उसी तरह नगरी धन अस्मिन, अब देखिए ए है, ए है ना, यदि किसी पद के अंत में ए है, यानी पद है और उसके अंत में ए है और उसके बाद अ आया है, अ आया है, ए है और ये अ है, तो क्या हो जाएगा, ए का एकार का जो है पूर्व रूप हो जाता है, लेकिन अ जो है अवग्रह के द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, तो नगरे डस्मिन, नगरे स्मिन क्या हो जाएगा, नगरे अस्मिन इस नगर में, इसका अर्थ होता है नगरे अस्मिन मीन्स क्या होता है, इस नगर में। विद्यालय धन अस्मिन, अब देखिए यहाँ पर ए है और ये अ है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय और ये चिन्ह और स्मिन, विद्यालय स्मिन क्या हो जाएगा, विद्यालय स्मिन यानी इस विद्यालय में, इस विद्यालय का अर्थ क्या होगा, इस विद्यालय में,
इस विद्यालय में। इसी तरह देवो अपि, अब ओ है, ओ के बाद आ आया है तो क्या होगा, क्योंकि ओ जो है ना ए परिवर्तित होगा ना ओ परिवर्तित होगा, पूर्व रूप में ही लिखा जाएगा, परिवर्तित क्या होगा एक चिन्ह के रूप में अपरिवर्तित हो जाएगा, तो क्या होगा देवोपि, देवो और ये चिन्ह फिर अपि, इसका अर्थ होता है देवता भी, देवता भी, ठीक है। इस प्रकार बच्चों पूर्व रूप में क्या कहता है नियम कि यदि किसी पद के अंत में एकार या ओकार हो तो उसके बाद अ आया हो तो दोनों ही स्थान में क्रमशः एकार या ओकार पूर्व रूप में हो जाते हैं, परिवर्तित से होता है तो अ की पूर्व उपस्थिति के सूचक के रूप में अग्रह द्वारा दिखाया जाता है, यानी ए हो या ओ है तो वह क्या हो जाता है उसी रूप में लिखे जाते हैं, बाकी जो अ आया है उसके बाद वाले पद के शुरू में तो उसका जो है स्वरूप जो है बदल जाता है, यानी उसका जो है चिन्ह जो है अवग्रह के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पूर्व रूप को संधि को समझाया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पर रूप संधि। आइए हम लोग पूर्व रूप संधि पढ़ लिए, पर रूप संधि पढ़ेंगे। पर रूप संधि क्या होता है, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम, इसकी संधि होती है एंगी पर रूपम। नियम देखिए क्या कहता है, नियम कहता है पर रूप का कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिनके आरंभ में ए अथवा ओ हो, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिनके आरंभ में ए अथवा ओ हो तो उपसर्ग का अ तथा धातु के ए या ओ दोनों के स्थान पर ए ओ हो जा ए या ओ हो जाता है, यानी इसमें अ जो है क्या जाता है लुप्त हो जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम समझते हैं, प्र जो है क्या है उपसर्ग है, कह रहे हैं यदि अकारांत उपसर्ग तो प्र जो है अकारांत है, प्र में अ जो है अंत में है, तो क्या हो गया यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिनके आरंभ में, अब ये धातु है आरंभ में ए है तो क्या हो जाता है उपसर्ग का अ इसका अ और धातु ए के साथ मिलने पर क्या जाता है ए हो जाता है। ऐसा कहने का मतलब कि यदि उपसर्ग का अ और जो जो धातु है दूसरा शब्द है ये धातु है इसका ए और ए मिलता है, जैसे अ प्लस ए दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं ए ही होते हैं, यानी अ लुप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा प्रधन एजते यानी प्रेजते, प्रेजते मीन्स क्या होता है, प्रेजते मीन्स होता है अधिक कांपता है, प्रेजते मीन्स क्या होता है अधिक कांपता है, अधिक कांपता, अधिक कांपता है, ठीक है। उसी तरह उपधन औषति, उपोषति यानी उप क्या है उपसर्ग है, यदि अकारांत प में अ है ना, यहाँ पर अ है, यदि उपसर्ग में उपसर्ग यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिसके आरंभ में ओ हो, यहाँ पर क्या है ओ है, ओ है आता है तो उपसर्ग अर्थ धातु ए दोनों मिलकर क्या बनते हैं ओ मिल जाते हैं, यानी अ जो है विलुप्त हो जाता है, वह अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है, यानी दोनों के मिलने पर उनके स्थान पर ओ हो जाता है, ए का ए होता है ओ का ओ हो जाता है, जैसे उपधन औषति उपोषति, क्या जाएगा उपोषति, और जो है विलुप्त हो जा रहा है उपोषति, यहाँ पर इसका क्या होगा अर्थ जलता है, जलता है उपोषति जलता है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि समझाने का प्रयास किया, आप इसे इसके सूत्र को याद रखेंगे और इसके नियम को अच्छी तरह से समझेंगे और उसे याद रखेंगे, तभी आप इनके जो है विच्छेद को समझ पाएंगे कि इनका विच्छेद क्या है और इनका संधि क्या होगा, ठीक है। प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा तो प्रधन एजते, उपोषति का संधि विच्छेद क्या होगा तो उपधन औषति, या उपधन औषति का क्या होगा उपोषति, अप्रधन एजते का क्या होगा प्रेजते, यह क्या है पर रूप संधि है। उसी तरह हरे धन अव हरेव, यह क्या होगा पर पूर्व रूप संधि। तो इस
संधि को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को 102 बार देखें और उसे नोट डाउन करें और उसके नियमों को अच्छे से याद कर लें।